जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में शॉर्ट टर्म्स फॉर रिलेशनशिप, मतलब कि रिश्तेदारों में या रिश्तों में कुछ कुछ चीज़ें हम शॉर्ट में ही बोल देते हैं। जैसे कि पूरा नाम है मदर और बोलते हैं मॉम, मम्मी। पूरा नाम है फादर और बोलते हैं डैड या फिर डैडी। तो सभी रिश्ते में कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म्स होता है, तो उसी के कुछ इंटरेस्टिंग चीज वो देखेंगे आज के इस क्लास में। ये हमारा तीसरा क्लास का सेकेंड पार्ट है, इससे पहले तीन क्लास खत्म हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में, स्पोकन इंग्लिश के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग कि शॉर्ट टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में पहला वर्ड जो है हमारा है वो है हबी। कई सारी लेटेस्ट महिलाएं क्या करती है कि अपने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं हबी बोलती है, ठीक है। तो हबी का अर्थ हुआ हस्बैंड, एकदम से नाम बिगाड़ कर रख देती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फादर। फादर का अर्थ हुआ पिताजी, तो पिताजी को कई बार डैड या फिर डैडी बोला जाता है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह का वर्ड यूज ना करके जो हमारा वास्तविक वर्ड है, वास्तविक शब्द है, उसी का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। जैसे कि माँ, माँ के लिए मोम शब्द यूज ना करें, मम्मी शब्द यूज ना करें, माँ, माता, माताश्री, इस तरह का वर्ड अगर आप यूज नहीं कर सकते तो सिंपल सा माँ बोल सकते हैं। उसी तरह है मोम, माँ, मम्मी, इन सबों के मतलब क्या हुआ मदर। अब कई बार होता है कि हम लोग अपने दादाजी को ग्रैंडफादर बोला करते हैं, लेकिन शॉर्ट में कुछ लोग ग्रैंडपा बोलते हैं, दादाजी को ग्रैंडपा, ये जो है ना पा, ग्रैंडफादर इसका अर्थ हुआ। उसी तरह दादी को क्या बोलता बोला जाता है ग्रैंडमा या फिर ग्रैनी भी बोला जाता है, ग्रानी या ग्रैनी। ग्रैनी भी कई बार दादी के लिए यूज होता है, मतलब कि ग्रैंड मदर। आगे देखते हैं, देखिए चाचा हो, मौसा हो, फूफा हो, ठीक है, चाचा, मौसा, फूफा या फिर जो भी आपके पिताजी के उम्र के लोग हो, चाहे अनजान ही क्यों ना हो, उसे हम अंकल बोलते हैं, उसे हम अंकल हो बोलते हैं। उसी तरह चाची, मौसी, फूफी, ताई या जो आपके मम्मी के एज की हो उसे हम आंटी बोलते हैं। और आंटी का कुछ नए नए वर्ड भी जनरेट हुए हैं, जैसे कि देखो अंटाई, अंटाई, अंटाई भी आंटी को ही बोला जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का वर्ड लग रहा है, अंटाई आंटी को ही बोला जाता है। अंट भी बोलते हैं शॉर्ट में अंट। अगला आगे देखिए, जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो अगर मान लिया जाए कि वो पुरुष है तो हम उसे सर बोलते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपके टीचर है उसी को आप सर बोलिएगा, सर का अर्थ हुआ कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अगर कोई पुरुष है और आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप उसे सर बोलते हैं। और वहीं अगर महिला है, अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो आप उसे मैडम बोलते हैं, ठीक है, ये जो है रिस्पेक्टेड वर्ड है। वहीं पे अगर बात किया जाए अनमैरिड गर्ल का, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसे हम मिस बोलते हैं। जैसे मान लो कि स्लोनी नाम की कोई लड़की है, इसकी शादी नहीं हुई है, तो हम बोलेंगे मिस स्लोनी। अगर यही लड़की की शादी हो जाए तो हम बोलते हैं उसे मिसेज। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है ध्यान देने योग्य, मिसेज जब हम बोलेंगे ना तो मिसेज के साथ इसके हस्बैंड का नाम लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि राम हस्बैंड है और सीता वाइफ है, तो हम सीता को बोल सकते हैं मिसेज राम, मिसेज राम। आगे देखिए, कई बार हम लोग लिखते हैं ना जब रिटेन में, तो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, उन दोनों के लिए कॉमन चीज हम लिख सकते हैं एम एस। कॉमन चीज हम क्या लिख सकते हैं एम एस। और वही पे पुरुष के लिए या चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, एम आर लिखते हैं मिस्टर, ये हुआ मिस्टर और ये हुआ मिस। अगर ये मिस बोलेंगे तो समझिए अनमैरिड गर्ल। अब लास्ट चीज हमारा बचा, हम लोग कई बार चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, जो भी हो भाई बहन, सबके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो है कजन। इसको बोलेंगे कजन, कसिन नहीं पढ़ना है इसको, कजन पढ़ना है कजन। और ध्यान दीजिए कजन के साथ ब्रदर या फिर सिस्टर यूज नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि मेरा चचेरा भाई का नाम है मुकेश, तो हम उसे बोलेंगे कजन, सिर्फ कजन, कजन ब्रदर नहीं बोल सकते हैं।
उसी तरह अगर कोई चचेरी बहन है तो उसे हम कजन सिस्टर नहीं बोलेंगे, ओनली एक वर्ड यूज करना है कजन। तो आज का हमारा ये शॉर्ट टर्म्स फॉर रिलेशनशिप इतना ही खत्म हो गया, और आपसे अनुरोध है ना कि एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, और हमारा जो है ऑफलाइन बैचेस भी चलता है। अगर आप बिहार में शेखपुरा जिले के चेवारा प्रखंड के आसपास रहते हैं तो चेवारा बाजार में TVS शोरूम वाला गली में थाना के पास हमारा ऑफलाइन बैच चलता है सत्या मैथमेटिक क्लासेस के नाम से। तो उसमें आप आकर क्लास 10 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी भाषा में समझ में आएगा आपको, और फी मात्र 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई होती है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं चेवारा में, चेवारा बाजार में, या चेवारा आसपास रहते हैं आप लोग तब डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखें।